पुलिस ने डेयरी मालिक पर गंडासियों से हमला करने वाले 3 आरोपियों सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। CIA 1 में प्रेस वार्ता में DSP ललित यादव ने जानकारी दी और बताया कि मामले में पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ के लिए उनका कोर्ट से रिमांड मांगा जाएगा। आपको बता दें कि हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 24 तारीख को सुबह 5:15 बजे के आसपास बालाजी कॉलोनी में डेयरी संचालक पर हमला हुआ था और डेयरी संचालक परवीन है, तो गंडासियों से चोट वगैरह मारी गई थी और अज्ञात के खिलाफ अभियोग अंकित किया गया था। तो सेंसिटिव विषय था और जिसकी सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में बड़ा तेज़ी से चल रहा था, तो हमारी CIA 1 की टीम ने इस पर से पर्दा उठाते हुए 5 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया और आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने उपरांत रिमांड पर जब हम इसको हासिल करेंगे तो सारी डीप बातें जो भी कारण रहे हैं उनके बारे में पता लगाएंगे। डिप्टी साहब, ये लूट का मामला था या फिर कोई पुरानी रंजिश थी? अभी इसके संबंध में कई प्रकार की बातें आ रही हैं। अभी आरोपियों को आज ही गिरफ्तार किया गया है, इसलिए गहनता से पूछताछ नहीं हो पाई है। आरोपियों का रोल असर्टेन हो चुका है। रिमांड पे लेके सारी डीप जो इनकी क्वेश्चनिंग है उसके बाद ही जाएगी। 25,000 रुपये लूटने की भी बात सामने आई, अभी तक 25,000 लूटने की पुष्टि नहीं हो पाई। कितने आरोपी पकड़े, कहां कहां के आरोपियों? कैथल जिला के रहने वाले हैं, एक कैथल से बाहर का भी रहने वाला है। अभी नाम सभी आरोपियों के नाम मैं आपको अभी बता दूंगा। सर, काज ऑफ ऑफेंस पता लगा कुछ? काज ऑफ ऑफेंस के संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। समय बहुत कम मिला है और इन्वेस्टिगेशन ऐसा विषय है जिसमें किसी भी बिंदु पर पूछताछ के लिए समय की आवश्यकता होती है। अभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है पेश अदालत करके, रिमांड पे हासिल करके। कितने आरोपी हैं? आरोपी 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसमें पहले भी हुआ था, पीड़ित और आरोपियों की कोई जान पहचान है आपस में? पीड़ित और आरोपियों की बिल्कुल जान पहचान है, लेकिन डिटेल की बातें मैं बाद में जब पुष्टि हो जाएगी, कॉरोबरेट हो जाएगा, उसके पश्चात। उससे पहले भी एक बार हमला हुआ था, क्या वही आरोपी है ये भी? उस जो हमला पहले हुआ था उसकी अभी तक इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं हुआ। क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या? 3 आरोपी है। अच्छा। उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। 3 आरोपियों पे पहले भी मुकदमे लड़ाई झगड़े के दर्ज है। लड़ाई झगड़े के मारपीट में जो हथियार यूज किए गए थे वो बरामद कर लिए गए। क्या क्या हथियार थे? अभी आरोपियों से कोई भी जो चोट मारने के लिए हथियार प्रयोग किए गए थे बरामदगी नहीं हो पाई है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स फॉलो करके सारी जो कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशनल वर्क जो पेंडिंग है, वो कंप्लीट किया जाएगा। आरोपियों के नाम बता दीजिए। आरोपी सुशील उर्फ सिल्ली है और ये जाखोली गांव का रहने वाला है। दूसरा आरोपी अजय चंदाना का है। तीसरा आरोपी गुरमीत अमरगढ़ जिला जींद का रहने वाला है। इसके अलावा 2 और हैं, एक कुलदीप, ये बलराज नगर कैथल का रहने वाला है, और 5वां आरोपी है संदीप, ये कैलरम गांव का है। सर, उसमें 3 आरोपी दिखा रहे, 2 आरोपी कहाँ इन्वॉल्व थे इनके साथ? 3 आरोपी एंटर किए थे उसकी डेयरी में, 2 आरोपी बाहर वेट कर रहे थे, जिनके बारे में कोई किसी को मालूम नहीं था, लेकिन पुलिस ने इस घटनाक्रम से जितने भी इन्वॉल्व हैं उनके बारे में अभी तक जो पता चला है उन सभी को गिरफ्तार किया है। और इसके बाद जो भी कोई आरोपी इसमें इन्वॉल्व होगा शीघ्र से शीघ्र वही गिरफ्तार किया जाएगा। एक मैसेज, सर, ये खुद हायर, किसी ने हायर किए थे या खुद की कोई इंटेंशन थी इनकी? अभी तक इस तरह की कोई बात आई नहीं है। क्लैरिटी के बाद मैं आपको स्पष्ट बात बताऊंगा। इस तरह के बदमाशों को DSP का क्या मैसेज रहेगा? बदमाशों के लिए तो एक ही मैसेज है और कोई दूसरा मैसेज नहीं। बदमाशों के ऊपर सख्ती की जाएगी और कोई कार्रवाई नहीं होती बदमाश के ऊपर। और शहर में इस तरह की घटना को बिल्कुल टॉलरेट नहीं, और सख्त लहजे में और सख्त तरीके से डील किया जाएगा।